आठवां अध्याय। उन दिनों में जब फिर बड़ी भीड़ इकट्ठी हुई और उनके पास कुछ खाने को न था, तो उसने अपने चेलों को पास बुलाकर उनसे कहा, मुझे इस भीड़ पर तरस आता है, क्योंकि ये 3 दिन से बराबर मेरे साथ हैं और उनके पास कुछ भी खाने को नहीं। यदि मैं उन्हें भूखा घर भेज दूं तो मार्ग में थक कर रह जाएंगे, क्योंकि इनमें से कोई कोई दूर से आए हैं। उसके चेलों ने उसको उत्तर दिया, यहाँ जंगल में इतनी रोटी कोई कहाँ से लाए कि ये तृप्त हों। उसने उनसे पूछा, तुम्हारे पास कितनी रोटियां हैं? उन्होंने कहा, 7। तब उसने लोगों को भूमि पर बैठने की आज्ञा दी और वे 7 रोटियां ली और धन्यवाद करके तोड़ी और अपने चेलों को देता गया कि उनके आगे रखें, और उन्होंने लोगों के आगे परोस दिया। उनके पास थोड़ी सी छोटी मछलियां भी थी और उसने धन्यवाद करके उन्हें भी लोगों के आगे रखने की आज्ञा दी। सो वे खाकर तृप्त हो गए और शेष टुकड़ों के 7 टोकरे भरकर उठाए, और लोग 4,000 के लगभग थे, और उसने उनको विदा किया और वो तुरंत अपने चेलों के साथ नाव पर चढ़कर दलमनूता देश को चला गया। फिर फरीसी निकलकर उससे वाद विवाद करने लगे और उसे जांचने के लिए उससे कोई स्वर्गीय चिन्ह मांगा। उसने अपनी आत्मा में आह भर कर कहा, इस समय के लोग क्यों चिन्ह ढूंढते हैं? मैं तुमसे सच कहता हूं कि इस समय के लोगों को कोई चिन्ह नहीं दिया जाएगा। और वो उन्हें छोड़कर फिर नाव पर चढ़ गया और पार चला गया, और वे रोटी लेना भूल गए थे, और नाव में उनके पास 1 ही रोटी थी। और उसने उन्हें चिताया कि देखो, फरीसियों के खमीर और हेरोदेस के खमीर से चौकस रहो। वे आपस में विचार कर कहने लगे, हमारे पास तो रोटी नहीं है। ये जानकर यीशु ने उनसे कहा, तुम क्यों आपस में ये विचार कर रहे हो कि हमारे पास रोटी नहीं? क्या अब तक नहीं जानते और नहीं समझते? क्या तुम्हारा मन कठोर हो गया है? क्या आंखें रखते हुए भी नहीं देखते और कान रखते हुए भी नहीं सुनते? और तुम्हें स्मरण नहीं कि जब मैंने 5,000 के लिए 5 रोटी तोड़ी थी तो तुमने टुकड़ों की कितनी टोकरियां भरकर उठाई? उन्होंने उससे कहा, 12 टोकरे। और जब 4 के लिए 7 रोटी तोड़ी थी तो तुमने टुकड़ों के कितने टोकरे भरकर उठाए थे? उन्होंने उससे कहा, 7 टोकरियां। उसने उनसे कहा, क्या तुम अब तक नहीं समझते? और वे बैतसैदा में आए और लोग एक अंधे को उसके पास ले आए और उससे विनती की कि उसको छुए। वो उस अंधे का हाथ पकड़कर उसे गांव के बाहर ले गया और उसकी आंखों में थूक कर उस पर हाथ रखे और उससे पूछा, क्या तू कुछ देखता है? उसने आंख उठाकर कहा, मैं मनुष्यों को देखता हूँ, क्योंकि वो मुझे चलते हुए दिखाई देते हैं जैसे पेड़। तब उसने फिर दोबारा उसकी आंखों पर हाथ रखे और उसने ध्यान से देखा और चंगा हो गया और सब कुछ साफ साफ देखने लगा। और उसने ये कहकर उसे घर भेजा कि इस गांव के भीतर पांव भी न रखना। यीशु और उसके चेले कैसरिया फिलिपी के गांवों में चले गए, और मार्ग में उसने अपने चेलों से पूछा, लोग मुझे क्या कहते हैं? उन्होंने उत्तर दिया, यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला, पर कोई एलिय्याह और कोई भविष्यद्वक्ताओं में से एक भी कहते हैं। उसने उनसे पूछा, परंतु तुम मुझे क्या कहते हो? पतरस ने उसको उत्तर दिया, तू मसीह है। तब उसने उन्हें चिता कर कहा, मेरे विषय में ये किसी से न कहना। और वो उन्हें सिखाने लगा कि मनुष्य के लिए अवश्य है कि वो बहुत दुख उठाए और पुरनिये और महायाजक और शास्त्री उसे तुच्छ समझकर मार डालें और वो 3 दिन के बाद जी उठे। उसने ये बात उनसे साफ साफ कह दी।
इस पर पतरस उसे अलग ले जाकर झिड़कने लगा, परंतु उसने फिरकर और अपने चेलों की ओर देखकर पतरस को झिड़क कर कहा, हे शैतान, मेरे सामने से दूर हो, क्योंकि तू परमेश्वर की बातों पर नहीं परंतु मनुष्यों की बातों पर मन लगाता है। उसने भीड़ को अपने चेलों समेत पास बुलाकर उनसे कहा, जो कोई मेरे पीछे आना चाहे वो अपने आपे से इनकार करे और अपना क्रूस उठाकर मेरे पीछे हो ले, क्योंकि जो कोई अपना प्राण बचाना चाहे वो उसे खोएगा, पर जो कोई मेरे और सुसमाचार के लिए अपना प्राण खोएगा वो उसे बचाएगा। यदि मनुष्य सारे जगत को प्राप्त करे और अपने प्राण की हानि उठाए तो उसे क्या लाभ होगा, और मनुष्य अपने प्राण के बदले क्या देगा। जो कोई इस व्यभिचारी और पापी जाति के बीच मुझसे और मेरी बातों से लज्जाएगा, मनुष्य का पुत्र भी जब वो पवित्र दूतों के साथ अपने पिता की महिमा सहित आएगा तब उससे लज्जाएगा।